स्वागत है आपका जनता न्यूज़ में। और आज जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से बेलापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें अश्विनी पाटिल जो है वो सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो 151 बेलापुर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे क्या क्या मतदान के लिए तैयारी की गई है उसके बारे में जानकारी दी है। तो आइए जान के लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या जानकारियाँ दी है। 384 यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है बेलापुर मतदार संघ में, जिसमें हमारे पास 4,20,242 वोटर्स हैं, जिनमें से 2,23,466 जो पुरुष हैं और 1,96,727 हमारे पास महिलाएं हैं और 19 हमारे ट्रांसजेंडर्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हम लोग ये सब वोटर्स को आह्वान करते हैं कि 20 नवंबर 2024 को बेलापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव हो रहा है, इसके लिए आप बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलिए और अपना जो मतदान का सबसे बड़ा हक है वो आप हक बजाइए और बड़े पैमाने में यहाँ पे वोटिंग के लिए बाहर आ जाइए। आपने एक बात बता दी कि सोसाइटियों में भी मतदान केंद्रों के कुल कितनी सोसाइटी होगी और किस तरीके से वोटिंग के लिए? 12 सोसाइटीज़ में हमारे लगभग 25 केंद्र हैं जो सोसाइटी में लगने वाले हैं, जिससे हम लोग सोसाइटी के जो वोटर्स हैं वही वोट अपना कास्ट कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ लोग आउटसाइडर वोटर्स भी हमने अटैच किए हैं जो नियर बाय लोग वहाँ के वही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे वहाँ पे जाकर। तीन बीते चुनावों से देखा जा रहा है कि बेलापुर निर्वाचन क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में वोटिंग होता है, तो इसके लिए प्रशासन कुछ कोशिश करने वाला है? प्रशासन खुद कोशिश करने वाली है। प्रशासन का स्वीप जो होता है वो हम एक्टिवेट करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो महिलाएं जो 18 से 19 साल के यूथ हैं उन सबको हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनके प्रोग्राम्स लेने वाले हैं, स्कूल के बच्चों को पार्टिसिपेट करवाने वाले हैं हम, मनपा के माध्यम से यहाँ पे फेस्टिवल का भी यूज़ करने वाले हैं, मनपा के जो व्हीकल्स है उस पर भी हम स्लोगन्स डालने वाले हैं और इथिकल वोटिंग के लिए भी हम लोग यहाँ पे प्रयास करने वाले हैं।